हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरु में। आज मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग के कुछ बेस्ट ट्रिक्स जो कि रेलवे एग्ज़ाम 2018 में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो रीजनिंग का जो टॉपिक है, अक्सर जो स्टूडेंट है इसकी तैयारी नहीं करते और एग्ज़ाम के अंदर जो है ज़्यादा टाइम रीजनिंग ही वेस्ट कर देती है, जिसके कारण उनका जो स्कोर है वो डाउन हो जाता है और उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता। तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संकेतिक भाषा में DOPLER को 17, 35, 26 तथा MAIL को 4095 लिखा जाता है, तो DELER को क्या लिखा जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो दिया हुआ है उस सिंबल को चेक करना है। जैसे डी जो है, DOPLE और आर का हमें कोडिंग दिया हुआ है। जैसे डी का इसको इसके नीचे लिख लेना है, जैसे 7, 3, 5, 2 और 6। इससे आपको क्या होगा, इसका कोडिंग पता चल जाएगा कि डी का जो है 1 है, ओ का जो है वो 7 है, पी का जो है वो है 3, एल का जो है 5, ई का जो है 2 और आर का हमें दिया हुआ है 6। इसी तरह से एम ए आई और एल का हमें दिया हुआ है 4, 0, 9 और 5 और हमसे पूछा गया है DELER का कोडिंग क्या होगा। तो हमें DELE और आर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हमें जो कोडिंग है इनकी वो इसके नीचे लिखनी है। जैसे डी की हमें पता है 1 है, इसके बाद ई की हमें पता है, ई की क्या है 2, ठीक है, इसके बाद ए की हमें पता है 0, इसके बाद एल की हमारे पास है 5, फिर ई की हमारे पास है 2, आर की हमारे पास है 6। तो इस तरह से हमारे पास इसका कोडिंग हमारे पास आ गया 1, 2, 0, 5, 2 और 6। तो अब हमें ये ऑप्शन में देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच खाता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 0, 5, 2, 6 ये मैच खा रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसी तरह से दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अच्छे नंबर गेन करने हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं अभी। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करने हैं तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इनमें जो बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 11 जो है वो इसके अंदर बड़ी संख्या है, तो हम पहले जैसे 2 और 9 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11, ठीक है। इसी तरह से हम यही ऑपरेशन हम दूसरे पे लगाएंगे तो हमारे पास 7 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रिक हम लगा रहे हैं ये फेल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से जोड़ कर देखेंगे, 11 और 7 हमारे पास हो गया 18, 18 और 3 21, तो ये हमारा सही चल रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे 9 और 12 जो हो गया हमारे पास 21, 21 और 15 हमारे पास हो जाता है 36। इसी तरह से 2 और 6 को हम जोड़ेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 8, 8 को जब हम 10 से जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कराता हूँ, जैसे 11 + 7 + 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है
21, और इसी तरह से 9 + 12 + 15 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 36, और जब हम 2 + 6 + 10 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 18। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर जो है इनको मल्टीप्लाई करने से बनता है, जो इसके जो अलग अलग तरह के पार्ट हैं वो मैं आपको इस तरह की रीजनिंग की वीडियो में कराता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे जैसे GIKM का हमें दिया हुआ है TRPN, समान अनुपात में हमें दिया हुआ है JLNP का हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या ऑप्शन आएगा। तो हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, जैसे GIK और M हमें दिया हुआ है, इसका कोड हमें दिया हुआ है, क्या बन जाता है TRPN। अब हमें दोस्तों इसका जो कोडिंग है वो लिख लेता है, जैसे जी जो है सातवें निशान पर आता है, ABC के अंदर जो 7 स्थान पर क्या आता है जी आता है, उसी तरह से टी जो है 20, आर जो है 18, और पी जो है वो 16, और एन जो है वो 14, एम जो है वो 13 स्थान पर, के जो है वो 11, और आई जो है वो 9वें स्थान पर आता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे हम 7 का जब हम डबल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 में 7 जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है जो है n आ रहा है, प्लस 7 हो रहा है। i के अंदर जो है हम क्या जोड़ें, i जो है हमारे पास है वो 9 है, तो 9 में हम क्या जोड़ रहे हैं प्लस 7, तो हमारे पास आ रहा है 16, 16 पर क्या है p। इसी तरह से k के अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं प्लस 7, 11 और 7 18, यानी आ रहा है। इसी तरह से M के अंदर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, M जो है 13 प्लस 7 जो 20, 20 आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है J, L, N और P, तो हमें इसमें 7 जोड़ना है। 7 हम जोड़ेंगे, J जो है हमारे पास पहले इनका कोडिंग लिखा, J जो है वो है 10 नंबर पर, L जो है 12, N 14, P जो है 16 पे। जब हम इसमें जोड़ेंगे 7 तो हमारे पास आ जाएगा 17, 17 पे हमारे पास क्या होता है P होता है 16, और Q जो होता है वो होता है 17 पे। L 12, 12 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 12 और 7 19, 19 पे हमारे पास क्या होता है S जो है वो 19 पर होता है हमारे पास। उसी तरह से N में हम क्या जोड़ेंगे प्लस 7, N जो है 14 नंबर पर होता है, 14 और 7 जो हमारे पास आ गया 21, 21 पे हमारे पास क्या होता है U होता है। इसी तरह से P के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे, 16 और 7 जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 तो हमारे पास हो जाएगा 23, 23 पे हमारे पास होता है W। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो आ गया W, U, S और Q। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा है, पहला जो है वो नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है, तो चौथा हमारा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया हुआ है 63:80, समान अनुपात 120 और अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी जो ऑपरेशन इस पे लग रही है वही ऑपरेशन हमें इस पे लगानी है। जैसे
हमें देखने से पता लग रहा है कि ये 8 का स्क्वायर हो सकता है। जैसे 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आता है चौंठ। चौंठ में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 18 है। उसी तरह से 8 के बाद 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है 81, में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 80। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो ये किसका स्क्वायर है, जिसमें से हम 1 घटाएं तो 120 आ जाता है। तो 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 121, में से हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके एक अक्षर आगे यानी 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। 144 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 143। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वही हमारा। और दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया हुआ है 7:49:56, जो क्या है, समान अनुपात है 14:196:120 के। तो हमें बताना है कि इसके समान अनुपात जो यहाँ पे क्या आएगा। तो हम देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है 7:49, तो हमें यहाँ से एक जो ट्रिक मिल रहा है कि 7 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 49 आता है। यानी 7 को हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 7 को जब हम 1 बढ़ाकर 7 का 8 करके 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 56। तो इसी तरह से हम इस पे ये ट्रिक लगा के देखेंगे। तो 14 का जो हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 196। और 14 को ही हम 1 बढ़ाकर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 210। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो यही रूल फॉलो कर रहा है। तो जैसे 9 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 81। तो जब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 81, ये तो फॉलो कर रहा है। इसके बाद देखते हैं फॉलो कर रहा है क्या, 9 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बढ़ाकर तो हमारे पास आता है 90। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, तो ये तो यहाँ से रिजेक्ट होता है क्योंकि 12 का जो स्क्वेयर होता है वो होता है 144। इसके बाद 21 ये हो रहा है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 441। इस तरह से हम आगे जैसे अगला ऑप्शन देखते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया 441। इसके बाद हम देखते हैं 21 को 22 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 462 जो आता है 21 को जब हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 462। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा रूल जो है फॉलो कर रहा है। इसके लिए जो समान अनुपात यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क के, वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, वो क्वेश्चन आसान है एक नज़र से, और एक नज़र से क्या है, डिफ़िकल्ट है। अगर हमें ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। अगर ऑप्शन के बारे में हमको पता है तो हमारे लिए आसान है। जैसे लेखक जो है उसका संबंध हमें दिखाया गया है कलम से, जो लेखक है वो कलम के द्वारा लिखता है। उसी तरह से समान अनुपात में हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे देखना है भी कौन सा ऑप्शन आएगा जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है। जैसे लेखक जो है वो कलम का प्रयोग करता है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सुई जो है दर्जी का प्रयोग, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हम देखते हैं, शिक्षक जो है वो क्लास का उपयोग, ये भी गलत है।
इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर, जैसे हम चार तीन नंबर देखते हैं, पेंटर जो है वो कैनवस का प्रयोग करता है। कैनवस दोस्तों क्या है, जो स्टैंड उसका होता है उसे कैनवस कहते हैं। पर कैनवस जो है वो क्या प्रयोग करता है, किस तरह से उसका प्रयोग करता है पेंटर जो है, उसमें सिर्फ जो है फ्रेम के अंदर जो कोई फोटो लगाकर और उस पर जो है डिज़ाइन करता है, लेकिन डिज़ाइन किससे करता है, ब्रश से। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दो देखते हैं, कलाकार जो है वो किसका प्रयोग करता है, ब्रश का प्रयोग करता है, ब्रश का प्रयोग करता है जिससे क्या वो कोई चीज़ बनाता है। तो जैसे लेखक कलम का प्रयोग करता है, वैसे ही कलाकार जो है वो ब्रश का प्रयोग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दो जो है वो हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए इस तरह की जानकारी आपको पहले से ही होनी चाहिए कि इनका जो संबंध है वो किस तरह से मैच खाता है, तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन ये जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको हर वीक हर दिन आपको जो रीजनिंग का चैप्टर कराऊंगा, जिसमें से आप इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और आप इस तरह के क्वेश्चन करने में सफल हो सकेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, यदि किसी कूट भाषा में जी ए एम ई को टी जेड एन वी लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में बी ओ डबल एस को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों हमें इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं, जैसे हमें दिया हुआ है जी ए एम और ई को क्या लिख दिया इन्होंने, टी जेड एन और वी। तो हमें इनकी कोडिंग जो है वो पहले लिख लेनी है। जैसे जी जो होता है वो सातवें स्थान पर होता है एबीसी में, और ए जो है वो एक नंबर पर होता है, एम जो है वो 13 पर, और जो ई है जो वो होता है 5 नंबर पर, और जो टी है वो होता है 20 पर, और जो जेड है वो होता है 26 पर, और जो एन है वो होता है 14 पर, और जो वी है वो होता है 22 पर। तो अब देखिए दोस्तों इनमें क्या लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। जैसे हम अगर टोटल एबीसी की बात करें तो हमारे पास जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26, उसमें हम क्या करते हैं एक और जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27, 27 में से जब हम 7 घटाते हैं तो हमारे पास आ रहा है 20, और उसी तरह से 27 में से हम जब 1 घटाते हैं तो हमारे पास आ रहा है 26, उसी तरह से हम 27 में से 13 घटाते हैं तो हमारे पास आ रहा है 14, और इसी तरह से हम 27 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास आ रहा है 22। यानी ये कोडिंग हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, बी ओ डबल एस को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे 27 में से हम बी जो है बी ओ डबल एस इसकी कोडिंग लिख लेते हैं हम पहले। जैसे बी 2 नंबर पर है, ओ जो है वो है 15 पर, एस जो है वो है 19 पर, फिर जो है एस आ गया तो वो ही 19 पर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 25। इसके बाद जब हम 27 में से 15 जो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। 27 में से हम जब 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 2 और 1 12। इसी तरह से जब हम 27 में से 19 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 में से हमने घटाना है 19, तो हमारे पास दोस्तों आ गया 17 में से 9 गई हमारे पास आ गया 8 जो आ गया हमारे पास, और इसी तरह से फिर दोबारा घटाएंगे तो फिर 8 आ जाएगा। अब इनकी कोडिंग जो हमें, जैसे 25 पे हमारे पास क्या होता है, y जो होता है वो 25 पे होता है, 12 पर क्या होता है, l जो होता है वो 12 पे होता है, h जो होता है 8 पे, फिर h। तो अब हमें देखना है कि ऑप्शन में ये हमें कहाँ पे मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन सेम नहीं है, इसका ये मतलब ये आंसर नहीं है। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह के वीडियो
और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।